हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? यहाँ पर बहुत ठंड हो रही है और आज सुबह से बारिश भी हो रही है यूपी में। आप लोगों के यहाँ मौसम का क्या हाल है? और ऐसे मौसम में बार बार चाय पीने का मन करता है, तो हमारी सासू माँ ने आज अंगीठी जलाई है, तो मैं आज चाय अंगीठी पर ही बनाऊँगी और आप लोगों के सामने बनाऊँगी। आप लोग भी पी लेना। ये मैंने अंगीठी पर अपना भगोना रख दिया है और चाय का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो चाय खोलनी स्टार्ट हो गई है। अंगीठी भी बहुत जल्दी चाय खोलने भी लगती है। तो दिन में 10 बार पी जा रही है चाय। खाना कम खाया जा रहा है और चाय ज्यादा पी जा रही है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी अंगीठी जलाती हैं, बिल्कुल बस जैसे ही जलाती हैं कोयला डालती हैं, बस एकदम कोयला रेड रेड बिल्कुल हो जाता है, बहुत आंच देता है। वैसे बैठ के तापती हूँ, हीटर से नहीं तापती। आज सुबह से ही यहाँ पर बारिश हो रही है और ठंडी भी बहुत बढ़ गई है, इसलिए मैंने फैन दिया है बिल्कुल बंद। पास बैठ के बहुत गर्मी से लग रही, बहुत आंच होती है इसमें। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट होता है अंगीठी चाय का, आप लोग भी ट्राई करना। ऐसी गर्मा गर्म चाय बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है आज मेरी दादी ने अंगीठी जलाई थी क्योंकि आज बारिश भी हो रही थी तो बहुत ठंड थी, तो हमारे मम्मी ने उसका फुल यूज करा। पहले तो मम्मी ने उस पर चाय बनाई और अब मम्मी ने उस पर बनाया है आज सरसों का साग और मक्के की रोटी, और जो कि आपको मम्मी दिख रही होंगी पीछे बैठ के खा भी रही हैं। चलिए आपको मम्मी के पास लेके चलते हैं। तो ये देखिए मम्मी खाते हुए। हेलो फ्रेंड्स, सरसों का साग बनाया था आज, पास से दिखाऊं? ऐसा बना था। और ये मक्के की रोटी है बड़ी सी।
मम्मी इसका पूरा। और गौरी बोल रही थी मम्मी मक्खन मखाना, तो मक्खन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, कह रही थी मक्खन मखाना मोटी हो जाओगी। हाँ मैं सब कुछ कह रही मम्मी पूरा। बच्चे खुद सब कुछ खाते हैं और मम्मी को बना कर देते हैं। और मम्मी पूरा आज अपना एंजॉय कर रही हैं, बढ़िया अंगीठे का यूज कर रही हैं और सरसों का साग खा रही हैं, ठंड का मजा ले रही हैं। और आप लोग बताइए, आप लोग क्या आजकल बनाते हैं ठंड के टाइम पे खाने में, और क्या क्या हो रहा है आपके यहाँ? सब लोग कुछ भी बनाते हो लेकिन गाजर का हलवा जरूर बनाते हो। गाजर का हलवा? हाँ, हम लोग अभी गाजर रखी हुई है अभी कसने के लिए, बस वही बहुत बड़ा काम है। अगर कसी का सही गाजर मिले तो हम लोग जल्दी से हलवा बना सकते। और आपके यहाँ मौसम कैसा है ये भी हमें जरूर बताइएगा। यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है, पहले ठंड नहीं थी अभी इतनी, और बारिश हो गई तो बहुत ठंड हो रही है, इसीलिए सभी जगह ठंड हो रही है।